उत्तर प्रदेश मथुरार वृंदावन में बात्सल्य गांव में नवनिर्मित गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल उद्घाटन करते प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या सहित षष्ठी पूर्ति महोत्सव में भाग नहीं स्वाधी श्वेतंबरा षाठीतम जन्मदिवस शुभकामना जनाई पूज्या स्वाधी श्वेतंबरा भगवान श्रीकृष्ण लीलाभूमि अनेक सेवा कार्य संचालित कर राष्ट्र निर्माण में योगदान अतुलनीय केन्द्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में बदल वातावरण कारण राज्य शासन भार जन संथ निकट रही योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भाव शासन कर साधारण जनता मन में सुरक्षा सह समृद्धि भाव उत्पन्न होपर्यंत जन संथों हाथ में शासन रही पर्यंत उत्तर प्रदेश सामग्रिक विकास को कहीं रोकी पारे ना राजनाथ स्वाधी श्वेतंबरा एवं पूज्य गुरुजी समाजपाई जो कार्य कर प्रेरणार उत्स मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बासल्य गांव में बालिका सैनिक स्कूल शुभारंभ अवसर में योगी कहते जदि समाज को सशक्त और समर्थ कर रही तेज नारी शक्ति को सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबी करने आवश्यक 2018 मसीह लखनऊ सैनिक स्कूल में बालिका मैंने पढ़ा आरंभ करते जार लक्ष्य बालिका मैंने अनुशासन सहित आगक बढ़े और भारत शक्ति को दुनिया को जनइबे योगी जीवन का अनुशासन और सैन्य शक्ति का अनुशासन हम सबको आगे बढ़ाने में मदद करेगा, भारत की शक्ति का एहसास दुनिया को कराएगा। एक स्वर में जब 140 करोड़ भारतवासी भारत के आन मान और शान की रक्षा का कार्य अपने हाथों में लेकर के इस अभियान के साथ जुड़ेंगे, कृतज्ञ भाव के साथ, नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ जुड़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारी दुनिया को यदि किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से गया है, दुनिया के किसी दूसरे देश की धरती से नहीं गया। शायद इसी सोच के आधार पर उन्होंने यह आदेश दिया है आगे सामाजिक समरसता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी पूजनीय आचार्य श्वेतंबरा जी भविष्य में काम करेंगे। आज यदि हम सब यहाँ पर मौजूद हैं तो सचमुच आज सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर हम सभी लोग अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।